महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी के हाथों फिल्म भारत के अग्निवीर की घोषणा की गई। राजभवन में आयोजित हुए समारोह में महामहिम द्वारा फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया और फिल्म फ्लैप देकर फिल्म का निर्माण की घोषणा की गई। उत्तम शर्मा द्वारा निर्मित निर्देशित की जा रही है कि फिल्म की कहानी भारत सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निवीर स्कीम पर आधारित है। फिल्म में यह दर्शाया जाएगा कि योजना देश व युवाओं के लिए कितनी लाभदायक है। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं कि जब भारत सरकार द्वारा अग्निवीर स्कीम की घोषणा की गई थी तब अधिकार लोगों ने इसका स्वागत किया और इसे सही करा दिया। दूसरी तरफ कुछ ने विरोध किया और विरोध के नाम पर योजना का गलत प्रचार किया और हिंसा का मार्ग अपनाकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। युवाओं में योजना का दुष्प्रचार होता देख मुझे लगा कि फिल्म के माध्यम से युवाओं को इस योजना के बारे में सही ढंग से समझाया जा सकता है और फिर फिल्म के निर्माण की योजना बनी। फिल्म 23 जनवरी को प्रदर्शित करने के लिए योजना है। फिलहाल कलाकारों के चयन की प्रक्रिया जारी है और फिल्म से जो आय होगी उसका 40% आर्मी वेलफेयर फंड को दिया जाएगा। अग्निवीर, भारत के अग्निवीर, ये जो निर्माता है, जो इसके आयोजक है, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की है और जिन्होंने इस सब में आग लेकर के इसको आजकल क्या करते हैं एक्टिंग, ऐसे बिना एक्टिंग के भी होगा नहीं। कितनी अच्छी आपकी कंट्रोल करना हो कितना ही सुंदर हो बना अच्छी एक्टिंग भी करना तो सुंदर एक्टिंग के माध्यम से देश को प्रेरणा देने के लिए इस फिल्म को बनाया है। ऐसे सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भारत गौरव पुरस्कार के लिए। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी ने आपको सम्मानित किया, तो क्या महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है जब अपने कोई काम करते हैं क्योंकि जब वो उसकी पहचान बनती है तब हमको अच्छा लगता ही है, सब सभी को अच्छा लगता है। साथ ही आज राज्यपाल जी के हाथों एक फिल्म को फिल्म भारत के अग्निवीर का पोस्टर लॉन्च किया गया और उस फिल्म की अगली फिल्म जो बना रहे हैं वो बहुत आगे जाएगी क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, तो युवा को हम लोग बजाय भटकाने के उसको ट्रेनिंग देंगे तो अगर हमारा देश प्रगति करेगा। ये मोदी जी का सपना अच्छा है। ये हमारी जो फिल्म है महंत रविंद्रपुरी क्रिएशन और सत्य ऑनलाइन प्रोडक्शन बैनर। महंत रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से हम भारत के अग्निवीर फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। 26 सितंबर पहले नवरात्रि से इसकी शूटिंग हरिद्वार में होगी और 30 से 40 दिन का शेड्यूल है इस फिल्म का। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय आर्मी हमारी फिल्म को पूरा सपोर्ट कर रही है। हरिद्वार के बीजी कैंप में हमारी फिल्म की शूटिंग है जो आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। हाँ, और साथ साथ इस फिल्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना और एक अग्निवीर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने शुरू की है उसको लोगों तक बताना हमारा उद्देश्य है। अग्निवीर यानी कि अग्निवीर का मतलब ये नहीं, अग्निवीर का मतलब ये है कि देश की सेवा, और देश की सेवा अगर किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और इस योजना के बारे में बहुत लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, हमें ये दिखाना कि योजना लोगों के लिए लाभदायक है, कल को देश में कोई विपत्ति या आपदा भी आती है तो ये अग्निवीर देश के अंदर खड़े होकर उनके लिए लाभदायक साबित होंगे। आज फिल्म जी भारत के अग्निवीर की घोषणा की गई राज्यपाल जी के हाथ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये फिल्म वास्तव में ये भारत के लिए यादगार पल होगा जब हम इसको इस भारत के अग्निवीर, इससे क्या है कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और हमारी भारतीय सेना में जाने के लिए उनको लोगों को बच्चों को उनको जागरूकता पैदा होगी, देश के लिए वो सेवा करेंगे। हमारा तो मानना यह है कि इस फिल्म में जो है ये फिल्म आए और जो जनवरी में जो है इनका उसको लॉन्च करने का वो है तो उनका सपना साकार हो, मेरी शुभकामनाएं। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार लोगों को सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी
कि इतनी बड़ी फिल्म जो है हमारे गवर्नर के हाथ से रिलीज हुई है और उनके उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जहाँ तक किरदार की बात करें तो इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो ग्रे शेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा से ग्रे शेड ही कैरेक्टर करती आई हूँ और इसी के वजह से मैं फेमस भी बहुत हूँ। तो इसमें भी मेरा वैसे ही कुछ रोल है जहाँ पे मैं आपको बहुत पॉजिटिव भी दिखूंगी, फिर नेगेटिव भी दिखूंगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा।